मैंने आपसे कहा था कि मैं पार्ट टू शेयर करूंगी इस वीडियो का, तो अब मैंने जो है मेडिसिंस को देखना है, ठीक है ना। वो सारा मैंने छोटा जो आपके साथ शेयर किया था, अब उसके बाद इस पार्ट में जो कुछ रह गया था वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये दवाइयाँ पहले मैंने कहा कि इनकी एक्सपायरी डेट देख लें, बॉटल्स तो काफ़ी घिसी पिटी पुरानी हो गई हैं, लेकिन एक्सपायरी डेट हम चेक करते हैं। तो ये एक्सपायरी डेट आपको नज़र आ रही होगी 2024 है जी, हाँ थोड़ी मिट गई है यहाँ से, लेकिन 2024 है, तो इसको हम रख देते हैं क्योंकि 2024 के सेकेंड मंथ में हो जाएगी, फेबररी तक जैसे कि ये हो जाएगी। जब तक हम फेबररी तक इसको रख देते हैं संभाल के, ये 2025 तक है, ये भी रिजिक्स है, इसे भी रख देते हैं, इसका भी टाइम है। हाँ जी, और ये है एसिफाइल कफ सिरप है, ये मैं रखती हूँ बच्चों का, तो ये 2026 तक है, तो इसको भी रख देते हैं। अच्छा जी, ये भी एसिफाइल है, ये भी 2026। अच्छा, तो इसको हम सैडिल, ये है, ये डब्बा तो बहुत ही पुराना सा मुझे लग रहा है, और इसकी एक्सपायरी डेट हम देखते हैं कहाँ है मौजूद। इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ तो नहीं है गाइस, मतलब इसकी एक्सपायरी डेट हम बॉटल में चेक करते हैं, तो इसकी एक्सपायरी डेट है 2024 में, इसकी भी सितंबर तक है, इसको भी रख देते हैं साफ करके, क्योंकि सारी बॉटल्स बहुत गंदी सी हो रही हैं, तो इन सबको हम चमकाएंगे और फिर हम इसको रखेंगे। आउच, धमाल हो गई, बचत हो गई, टूटी नहीं बॉटल, मैं टूट जाती है, आउच, दवाई गिर गई। लो, एक हाथ से व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है यार, सच में बहुत मुश्किल है। तो सारी दवाई गिर गई, अब मुझे साफ करना पड़ेगा। इसकी एक्सपायरी है 2025, इसके भी बहुत टाइम है, तो इसको हम साफ करते हैं और इसकी बॉटल को भी साफ करते हैं, फिर इसको रखते हैं, ठीक है ना। अब दवाइयाँ भी देख लेते हैं और इन सबको जो है मैं साफ़ करके, जो ज़्यादा वेस्टेज है ना उनको निकाल देती हूँ, और जो काम की हैं उनको साफ़ वगैरह करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको, पहले मैं इनको सबको साफ़ कर लूँ, क्लीन अप कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कहाँ मैनेज करके रखना है, कहाँ इसकी जगह बनानी है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पहले ढूंढते हैं कि इसकी जगह हम कहाँ बनाएं। इसमें मैं दवाइयाँ रख दूँ तो इसमें भी फुल कचाकच सारा सामान पड़ा है, तो इसको भी सब करना पड़ेगा, और फिर देन सारी सफाइयाँ करके इसमें डालनी पड़ेगी बॉटल्स। तो पहले हम इस पोर्शन को साफ़ करते हैं, फिर दवाइयाँ साफ़ करके इसमें रखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या कचरा मैंने रखा है। चलिए गाइस, इस ड्रॉ में मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या है। ये नीडो का साशे है जो मेरा भी चीज़ है, क्रीम्स मेरी, और बाकी ये है, इसमें मैंने जो है स्विंग किट बनाई है इसको, क्योंकि मेरे सारे सुई धागे वगैरह हैं। अच्छा जी, तो इसको भी साफ़ करना पड़ेगा यार, धागा कराया इसका। अच्छा, ये मेरी एक अदद नेल पेंट निकली है। अच्छा, ये मेरे ग्लासेस, मतलब इसमें मैंने जो है ना, पर ये फ्रेगनेंस का होता है ना कोयला जिसे जलाते हैं, तो ये वो है, और ये मेरे चश्मे हमें यकीन है नहीं। ये मेरा के लिए नबीला के किले हैं और इसमें इसके सिक्के पड़े हुए हैं। वाह भाई, ये तो मेरे हाथ आ गया, कहते हैं ठीक है। और ये मेरी परफ्यूम की खाली बॉटल मैंने स्प्रे के लिए रखी थी, कभी अमूमन स्प्रे के लिए चीज़ें सही होती तो होती नहीं है, तो ये मैंने बॉटल संभाल के रखी थी कि मुझे ये बॉटल कभी रोज़ वाटर में या कोई भी वाटर ऐसा होता है जिसको स्प्रे करना होता है तो इसके काम आती है, तो इस बॉटल को मैंने फेंका नहीं है, इसको मैंने संभाल के रखा। परफ्यूम सारा ख़त्म हो गया इसका, मुझे संभाल कर रखा। तो ये मेरी डेटा केबल, ये मेरी हैंड फ्रिया, कितनी बेदर्दी से मैंने चीज़ें रखी हुई है गाइस। ये मेरी इंच टेप, सब ऐसे ही जब डाल दिया है मैंने। अच्छा जी, तो ये मेरे ग्लासेस हैं, चश्मे, और इसमें ये तो कपड़ा है चश्मों का, ये मेरा सैनिटाइज़र, और ये मेरी वैसलीन, पता नहीं मैंने क्या क्या रख दिया यार इसके अंदर। ये मेरा ब्रश है फीडर वॉश करने का मेरा की। अच्छा जी, ये मेरा चश्मा टूटा हुआ जो कि टूट गया है,
इसलिए मैंने संभाल के रखा है। मतलब कितना कचरा, कितना, ओहो आप लोग भी देख रहे होंगे कितने गंद मचाती है ये। ये टोपी है ताक की कदर, और ये भी मेरी क्रीम है, ये विंटर्स में स्पेशली मैं लगाती हूँ, बहुत अच्छी होती है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा ये शू पॉलिश, ओके ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा ये जो कोयला था मैंने आपको बताया था ना, तो ये उसके अंदर जो फ्रेगनेंस जलती है ना, ये वो है, ऐसे खुशबू बड़ी मज़े की है गाइस, बहुत मज़े की है। अच्छा जी ये जॉलन मेरी ब्लीच क्रीम भी निकली है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा खाली डब्बा है चश्मा का। ये मेरे सनग्लासेस मज़े मज़े के। अच्छा और एक अदद, ये चश्मा भी मेरा टूट गया है, ये देख सकते हैं आप, चश्मे में बहुत तोड़ती हूँ, बहुत ज़्यादा तोड़ती हूँ, और मैं बहुत केयरलेस पर्सन हूँ वाकई में यार। ये फॉलिक एसिड बच्चे ढूंढ ढूंढ के थक गए थे लेकिन मिल नहीं रही थी, तो ये इसके अंदर डाली हुई थी, ये बच्चों का ही काम है। अच्छा जी तस्बी, क्या क्या मतलब सब आ गया इस ड्रॉ में। ये रेजर पैकिंग पैक हुआ हुआ निकला हुआ, ये मेरा लिप ग्लो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, खुदा का, वाह भाई वाह। नेल कटर भी है, ओहो नेल पेंट्स भी हैं, कौन नेल पेंट निकला है, कैंची भी है, मतलब एक खाने में इतना कुछ, वाह अमेजिंग। एक और क्रीम निकली है, मतलब यार चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही और निकली जा रही है, निकली जा रही है। ये मेरा शोपीस है, पेन होल्डर, पेन रखने का। ये मेरा सिरम है, ऑयल सिरम, ये भी अंदर पड़ा हुआ है, मतलब क्या कुछ नहीं। ये सॉरी गर्ल्स की चीज़ है ये, ये ताक का फीस कार्ड भी इसमें से निकला है भाई, क्या बात है मेरी। अच्छा जी तो ये एक अदद कंसीलर भी निकला है, ओहो चार्जर की अडाप्टर भी निकला है। अच्छा जी तो अब मैं आपको खाने की हालत बताऊंगी, ये खाने की हालत है, अंदर से कचरा कचरा देख रहे हैं आप, कचरा जोर का झटका है, जोरों से लगा, इसमें इतना कचरा निकला और निकला, इतना कचरा निकला, मतलब इतना कचरा, उफ अल्लाह इतनी गंदी लड़की हूँ मैं यार, तबा 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 तबा। ये मेरी दो दो एक जैसी वैसलीन दिख रही है भाई, वो हमने गाना गाया ना, ये मेरा ब्रश, ब्लीच ब्रश, जोर का झटका हाय जोरों से लगा, एक खाने में इतना कचरा निकला और निकला, इतना कचरा निकला। ये मेरा नेल कटर, ये मेरे जहेज का नेल कटर है, अब तक है मेरे पास, मतलब मेरी शादी को 12 साल हो गए, ये भी 12 साल का हो गया, तो इसकी भाई हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे, 12 साल का हो गया, ये सलामत है अभी तक। और इसमें मेरी कॉटन बर्ड्स भी निकली है, वाह जी वाह, तसी ग्रेट हो जी, तसी ग्रेट हो वाकई में। ये एक अदद मेरी कंघी भी निकली है, ये मतलब एक ड्रॉ में इतना कुछ, मैं आपको बताती हूँ कितना मैसेज है, मैं आपको सामान बताती हूँ सारा, रुके रुके, मतलब अभी भी कचरा जा है अंदर, अभी भी कचरा है, रुके मैं आपको बताती हूँ। कचरा ये कचरा, मतलब के क्या बोलूँ मैं, अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ कि देखें ये, मैंने मैंने जो इतनी ब्लॉगर बनी फिरती हूँ ना, मैं आप लोगों को एडवाइस देती हूँ, देखें मेरे काम, देख रहे हैं ना आप लोग, तो इतना कुछ सामान गंदा पड़ा हुआ था इस ड्रॉ में। वैसे यार इस ड्रॉ बहुत बड़ा ड्रॉ है ये, तो वाकई में मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इसमें इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, इतना गंद मच गया है। अच्छा दूसरा वाला ड्रॉ मैं आपको बताऊंगी, उसमें सारे परफ्यूम्स बना रखे हुए हैं, तो उसको भी मैं आपको खड़ी होती हूँ तो बताती हूँ। बाकी इसका सामान मैं कहाँ डालूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा गाइस, मैं इन सबको कहाँ क्लीन अप करूँ, कहाँ रखूँ, तो फटाफट से इसको साफ़ करके आपको मैं बताती हूँ। गाइस इसकी सारी बॉटल्स मैंने साफ़ कर ली हैं, और डब्बे बड़े गंदे हालत में हो रहे थे, तो डब्बे मैंने जो हैं वो अपना वापस से मैंने फेंक दिए सारे डस्टबिन में, और ये मैंने सारी साफ वाफ करके अब मैंने जो है इसमें रखनी है, ठीक है। तो ये हमारी सारी मेडिसिन इसके अंदर आ गई, ठीक है, इसको हम टाटा बाय बाय करते हैं। अच्छा वैसलीन रोज़मर्रा यूज़ होती है वैसलीन, तो वैसलीन वैसलीन को भी हम यहाँ साइड पर रख देते हैं, ये अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसको भी हम यहाँ साइड पे रख देते हैं, इसको भी हम इधर साइड पे कर देते हैं, ठीक है। ये भी मेडिसिन है तो इसको भी हम यहाँ रख देते हैं, ओके जी। और क्या हो गया, और हमने क्या रखना है, तो हमने ये स्लिंग किट रखनी है, ये स्लिंग किट बहुत ही काम आती है, रोज़मर्रा यूज़ होती है किसी ना किसी मसले में, तो इसको भी जो है हम इधर एक क्या कहते हैं,
माशाल्लाह सारा निकल रहा है, तो इसको हम थोड़ा सेट करते हैं और फिर इसको रखते हैं इसमें। तो इसमें भी मैंने जो है इसको मैंने साइड पे कर दिया है पाउच को, ठीक है ना। अच्छा, और हम जो क्या रखना है यहाँ पे, और हाँ शू पॉलिश भी रोज़मर्रा काम आती है शू पॉलिश, इसको भी हम यहाँ साइड पे जगह बना के रख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी हमारे काम आती है। और ये हो गया हमारा डन खाना, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने क्या क्या रखा है और किस तरीके से रखा है। चलिए बताती हूँ, ये मेरा खाना चकाचक साफ हो गया, कितना गंदा हो रहा था, डर्ट हो रहा था, लेकिन अब मैंने इसको अच्छे से चमका दिया है। मैंने इधर वैसलीन्स भी रख दी है, ये वैसलीन भी मैंने रख दी है, ठीक है ना, और ये भी क्रीम मैंने रख दी है, ये सैनिटाइजर भी रख दिया है, ये किट भी रख दी है मेरी स्वयं किट, और दवाइयाँ जो भी थी सारी सही थी, एक्सपायर कुछ कोई भी नहीं थी, तो सारी मैंने रख दी हैं और यूज़ होने वाली हैं सारी। और यहाँ पे मैंने शू पॉलिश भी रख दी है, तो बस अब इस खाने में मज़ीद हम और कचरा नहीं भरेंगे, इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लगा देंगे। और मैं आपको परसों का खाना ही बताती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम भी पूरा हो गया अल्लाह के फजलो करम से। तो चलिए मैं आपको अपने परफ्यूम का खाना भी बताती हूँ। हाँ, दोनों ये रहे मेरे दो ऊपर के खाने, तो ये देखिए ये तो सारा मेडिसिन का हो गया, सही है। और ये मेरा जो है सारा परफ्यूम का जो है ये ड्रॉ है, ये सारे परफ्यूम्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, ये मैंने लोशंस रखे हुए हैं मेरा के यूज़ करने होते हैं, मेरा का जो है कलोन यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, तो ये भी रोज़मर्रा यूज़ होती हैं सारी चीज़ें। और यहाँ मैंने खोपरे का तेल भी रखा है, यूज़ में आता है। तो ये भी हमारा सेक्शन जो है एक परफ्यूम का सेक्शन हो गया है, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो दो ड्रॉज में आ गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हमारा ख़त्म हो गया। अब बाकी इस सब चीज़ों को जो भी फेंकने की चीज़ें उनको मैं फेंक दूंगी, जो रखने की उनको मैं रख दूंगी, तो अभी इसको देखूंगी मैं बाद में। और बाकी ये देखें खाना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपको अच्छी लगे तो कॉमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी जो है सफ़ाई कस्टमाइज चीज़ें कैसी लगी, ऑर्गेनाइज जो मैंने किया, इतना कुछ खास नहीं किया लेकिन जो किया आपके साथ किया, तो उसका मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती है तो वो मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे खास याद रखिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और आपका इनाम होता है हमारे लिए, जो हमें और मज़ीद काम करने का जो है जज्बा पैदा करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कचरा कचरा मतलब के क्या बोलूँ, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ कि देखें ये मैंने मैंने जो इतनी ब्लॉगर बनी फिरती हूँ ना, मैं आप लोगों को एडवाइस देती हूँ, देखें मेरे काम देख रहे हैं ना आप लोग। तो इतना कुछ सामान गंदा पड़ा हुआ था इस ड्रॉ में। वैसे यार इस ड्रॉ बहुत बड़ा ड्रॉ है ये, तो वाकई में मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इसमें इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, इतना गंद मच गया है। ओहो, अच्छा दूसरा वाला ड्रॉ में मैं आपको बताऊँगी, इसमें सारे परफ्यूम्स मैंने रखे हुए हैं, तो उसको भी मैं आपको खड़ी होती हूँ तो बताती हूँ। बाकी इसका सामान मैं कहाँ डालूँ मुझे तो समझ नहीं आ रहा गाइस, मैं इन सबको कहाँ क्लीन अप करूँ, कहाँ रखूँ। तो फटाफट से इसको साफ़ करके आपको मैं बताती हूँ।